व्यू दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ओ रेगिस्तान के बीचों बीच। गोपी खदेलो बात ऐसी घर के ऐसी। तो सीन ये है, आज हम जाने वाले हैं जोधपुर और हम पहुंच चुके हैं नीमराणा। मैं बना नहीं पाया वीडियो क्योंकि हम फ्लो फ्लो में खींच के आ गए और अपने साथ दो लौंडे हैं, दिखा देता हूँ। ये रहे अपने दोनों, क्या हाल है? Hey guys, चैनल खोला, क्या नाम है चैनल का? PRV Vlogs. तो इनका चैनल है, अभी नाम डिसाइड हो रहा है, आधे रास्ते के बाद हो जाए भाई। आज 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 जलेगी वीडियो भाई, आज जलेगी। ये भाई प्रवीण अपना और मैं आपका दोस्त विशाल और PRV Vlogs भाई। भूख लग रही है विशाल, खाना चलो PRV का। PRV तो चले, किंग का खाना खा, चलो किंग का खाना खा, चलो सियरा किंग। यहाँ मैं पहले भी आया था दो दिन पहले, तो इसका खाना बहुत स्वाद होता है और यहाँ का स्टाफ मेरे को जानता है, तो मैं चलो खाना खा के बताते। लड़ो मजा आ रहा है। अबे पागल आदमी, बेफालतू में लड़ता है। तुम्हें कुछ कहो तो ऑफेंड हो जाते दो मिनट में। मैं तो होता ही नहीं ऑफेंड, मैं तो होता ही नहीं ऑफेंड, मैं कभी नहीं होता ऑफेंड भाई। कौन ऑफेंड हो रहा है, ये हो रहा है। अभी तो सही बात है, थोड़ी देर पहले का इंडिकेटर देके चलियो। अरे मुझे पता नहीं है क्या कैसे चल रहा है, मुझे बिल्कुल समझ रहे हो क्या? कुछ देर पहले का डिपर चला रहे, अरे मैं चला लूंगा भाई, मैं चला लूंगा। अब इंडिकेटर की बात तो हो रही है, उधर भी तो घुमा ले। आपके थॉट्स क्या है इस बात को लेके, क्या कहना चाहोगे? हमारे थॉट ये है कि ना बहुत साल पहले BC Degree के फार्म भरे गए थे, तो उसमें इन्होंने टॉप किया था। ऊपर से नीचे से उसमें भी ये भाई ऊपर से थे, सही बात, टॉपर थे, और अवार्ड इसको घर वालों ने दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, दोनों के बराबर नंबर आए थे, फिर एक सुपर ओवर खेला गया था। तुमने चीटिंग मारी है, दोनों ने आपस में एक सुपर ओवर खेला गया था, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं आया हूँ तो सेकंड ये भी आया है, रनर अप रहा है पूरा लड़का। तो खाना हमने खा लिया, खाना कैसा था भाई विशाल? सच्ची एक नंबर का खाना था यहाँ का, एक परांठे ने मतलब। और जब भी आप आओ नीमराणा जरूर इस होटल पे रुकना, होटल हाईवे किंग, होटल हाईवे किंग, चूकना जाना खाना। किंग का खाना। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत लंबा ट्रिप है अभी तो, कितने रह गए? 400 किलोमीटर और है भाई। गोभी खुदने वाली है, गोभी खुद जाएगी, ड्राइव करनी है। कितना चलाता है भाई, जगना है पूरी रात। मोटे के ऊपर भी बात है, मोटा कितना चला पाएगा? मोटा चला लेगा थोड़ी बहुत, अभी उजाला हो जाएगा थोड़ी देर में, दो घंटे में कोई ना। चलो चलो गाइस, मिलते हैं फिर पहुंच के। गाइस आफ्टर 250 किलोमीटर ऑफ ड्राइव, हेक्टिक ड्राइव, हम पहुंच चुके हैं जयपुर। तू भाई परवीन, मजा आ रहा है भाई? मजा आया, ये तो हाँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, अब भाई गाड़ी चला जयपुर पार होने वाला है, 5 किलोमीटर में जयपुर खत्म है। जयपुर पहुंचा दिया है सौरभ ने, अब आगे लेके जाएंगे हम। 250 तेरा भाई 400 खींचेगा, चल बढ़िया। अब यहाँ से है 380 समथिंग किलोमीटर है जोधपुर, तो देखते हैं। मैं तेरे कह रहा हूँ 200 चला लियो, 200 चला लियो। मैं भाई जोधपुर लगाऊंगा सीधी। अगर तूने जोधपुर लगा दी हाँ, तो मैं जैसलमेर लगाऊंगा भाई। भाई रेडबुल पी के जैसलमेर सीधी, जोधपुर सीधी भाई। और अगर अगर तू 4 पैक मिला देगा तो सीधी जैसलमेर। तो गाइस चलो देखते हैं हम कैसे पहुंच जाते हैं। 4 पैक में जैसलमेर पहुंचाएगा यहां से, ये पहुंचा देगा सीधा 4 पैक में जैसलमेर भाई, ये स्वर्ग पहुंचा देगा। हमें नहीं जाना भाई, हमें पहुंचना है, एंजॉय करना है, ऊपर नहीं जाना। चल सही है, सही कवर होगा। सो गाइस बहुत सही चल रहा है अभी, बहुत अच्छा कवर हो गया है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, मुझे दिखाते हैं तुम्हें क्या होता है, गोभी खोदेंगे। हाईवे के किनारे, और किलोमीटर कितने हो गए भाई विशाल? 373 किलोमीटर हम चल चुके अब तक, सही है, कर लिए कवर। अभी 270 किलोमीटर चलना बाकी है, बहुत लंबा तो अभी लंबा है, मजाक लगा कवर करेंगे, लंबा बहुत है, लेकिन हम सही टाइम पे निकल गए रात को। गाइस आप भी अगली बार जाएंगे तो प्लीज रात को निकलेगा, सारा ट्रैफिक आपका कट जाएगा। सही बात है, तो चलो निकलोगे तो फिर रात को पहुंचोगे। चलो फिर चलते हैं, चलो पकते हैं। क्या हो गया, किसको प्रेशर बन रहा है, किसका प्रेशर बन रहा है तेरा? गाइस माय इमोशंस आर गेटिंग लूज। अबे ये क्या कर रहा था, रमाडा में जाऊंगा, रमाडा में कबाड़ा में जाऊंगा, मैं रमाडा में जाऊंगा कबाड़ा करने, 5-star होटल को कबाड़ा करके। प्रेशर बन रहा है बहुत जोर का भाई, वहां पे खाद डालनी है भाई खेतों में। अपने नाम की फसल उगा के आएंगे वहां पे भाई, भाई रास्ते में लोगों को दे जाएंगे, उपले बना लेंगे, और बाहर जाते टाइम वही फसल देखने आएंगे। उसी फसल के ये गायाल आलू खाएगा।
और प्रवीण पर अपना चिकन खाएगा उसी में डुबा डुबा के चिकन लेग पीस दिन खिल चुका है, अब रह गए हैं 250 किलोमीटर, तो देखते हैं कितनी देर में पार होता है। और अपना मोटा लड़का चला रहा है, मोटा मेरे को लग रहा है खींच देगा भाई, भाई मोटे हाँ भाई खींच देगा भाई, सीधा वहीं रुकेगी अब तो जोधपुर जैसलमेर करते हैं, जैसलमेर चलते हैं 500 किलोमीटर ही है, मोटा अपना फुल एनर्जी में फुल पावर खींच देगा, चलो चलते हैं। क्या कह रहा भाई? मैं कह रहा बात ऐसी 172 रह गया, 22 किलोमीटर और चला लो, 28 किलोमीटर छोड़ के भागते हैं, चलो चलो उसका रिएक्शन देखो, उसके साथ छोड़ के भागने का प्रैंक कर रहे हैं, 1 किलोमीटर से वापस आएंगे, चलो चलो उसका रिएक्शन दिखाऊंगा। उतर गया भाई हमने छोड़ा फोन काट रहा है, क्या बात है एटीट्यूड भाई, वो फ्रेंड हो गया अबे आ गया जा मुड़ के, भाई आगे पीछे नहीं आ रहे, आज आगे जल्दी आ भाई, गलती होगी भूल गए तेरे को, आ जा आग पीछे नहीं आ रही गाड़ी, मेरा वॉलेट दे दो चला जा भाई भाई वॉलेट भी गया, तू अब यहीं छोड़ के जा रहे तेरे को, जाए काम पे चला जा, बाय बाय। ये रहा हमारा चुटकू, मेरा बेटा बुरा मान गया, अरे क्या बात है, क्या मिला क्या मिला। अब जल्दी से बैठ, भगा भगा जल्दी भगा 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 थोड़ी सी अच्छा बैठ ले भाई, अब बैठ नहीं रहा थे जल्दी गाइस। अब हम पहुंचे हैं जोधपुर में, कितने रह गए 100 किलोमीटर हैं, और यहाँ गर्मी भाई तेरे भाई ने बोला था तेरा भाई जोधपुर लगाएगा, एक बात है गर्मी बहुत जा रहे हैं, गर्मी तो बहुत है भाई, गर्मी दिमाग खराब हो रहा है, फाड़ दी भाई एसी में भी गर्मी लग रही है भाई, 25-30 डिग्री होगा भाई, बादशाह का गाना याद आ रहा है, हाय गर्मी हाय गर्मी। यहाँ वॉशरूम करते हैं सही है, और यहाँ तो भाई अभी थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुक गए अपन, फिर सीधा जोधपुर चलो। अभी हम पहुंचे हैं पाली, और यहाँ से जोधपुर है पूरा 100 किलोमीटर, और यहाँ के हाईवे यार एक नंबर 115-120 पे चल रही है गाड़ी, मक्खन एकदम, बहुत बढ़िया हाईवे और रास्ता इतना बढ़िया, पहाड़ ढलान, मजा आ रहा है भाई, क्यों भाई गयाल मजा आ रहा है, हाईवे एक नंबर है भाई, बहुत मजा आ रहा है, वर्दी है भाई जो 70-80 पे लग रहे हैं ना 50 किलोमीटर टोल के, टोल देना जरूर, और यहाँ का खाना भी अच्छा है रास्ता भाई, एक बात सुन लो भाई, राजस्थान के रोड पे जोधपुर जैसलमेर तक भाई टोल मत काटना, भगाना मत, रोड बना रखा भाई गवर्नमेंट ने, सेक्सी रोड एकदम, भरते जाना है भाई, टोल देना बनता है पैसे ना हो भाई, इतना तो लड़की इतना भाई लड़की पहनने मजा नहीं आता जितनी रोड पे गाड़ी पहनने में आया, बहुत आड़ बहुत आड़ भाई, तेरे को बोला था जैसलमेर लगेगी आज गाड़ी, 200 किलोमीटर रह गया सीधा जैसलमेर जाएंगे, जोधपुर छोड़ अब जैसलमेर, जोधपुर को भाई आज रात का खाना जैसलमेर में होगा, जैसलमेर के कैंप में उक्का बनेगा भाई, एक बात है वैसे मोटे भाई, रेगिस्तान चालू है, मिट्टी आ गई है यहाँ पे भाई, जोधपुर गंदा, जोधपुर मत जाओ, सही बात है मजा, जोधपुर गंदा भाई कुछ नहीं है, जोधपुर में मत जाओ, तो गाइस मोटे ने सीन करा, इसको लगा फास्ट ट्रैक चलता 50 की स्पीड, बंदे ने कहा भाई टोल तोड़ दिया, टोल तोड़ दिया, तोड़ा नहीं है डंडा ही तोड़ दिया, टोल वाला अच्छा था उसने कहा कोई नहीं भाई। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेगिस्तान में, क्यों भाई आजा भाई आजा, धूप इधर है, वो पीछे पूरा रेगिस्तान है गाइस, भाई फाइनली बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी मेहनत टाइम बाद, और ये रहा अपना, ये रहा अपना चीता भाई, इसने बहुत गाड़ी चलाई है भाई, टोल तोड़ दिया
भाई जैसलमेर पहुंचने वाले हैं भाई, 150 रह गया, 150 दो घंटे और, दो घंटे प्यार से चलाएंगे, दो घंटे में जैसलमेर 75 पे चलाएंगे, दो घंटे में लगाएंगे, प्यार से जैसलमेर पहुंचेंगे। आप भी आना जैसलमेर, जाओ, बहुत प्यार रास्ता है, बहुत प्यारा हाईवे है, चारों तरफ व्यू बहुत अच्छा है। रेत के टीले पे चढ़ो, रेत के टीले पे जाओ। चलो भाई रेत के टीले पे चढ़ते हैं एक बारी, चलो। तो गाइस ये देखो कितना बड़ा रेत का टीला भाई, आगे और बढ़ते जाएंगे, पोखरण आने वाला है अभी बता दूं, तो चलो अब निकलते हैं आगे। गाइस हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर और हमने यहाँ एक महल सा था, पैलेस सा था, अभी रात का टाइम है, दिख नहीं रहा होगा तो आपको सुबह दिखाऊंगा, अभी फिलहाल आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखो ऐसा अपना महल है पूरा, ऐसी सीढ़ियाँ, बिल्कुल महल वाली फील है भाई। और हमने कराया ये ओयो से, बहुत बढ़िया ओयो भाई। ये देखो पूरा मतलब लॉबी स्पेस, ये देखो यहाँ भी गद्दा है भाई, मज़ेदार सौदा। ये देखो यहाँ अपना आराम से चिल विल कर सकते हैं बैठ के, बट कमरा भाई एक नंबर का है। और वॉशरूम भी थोड़ा गंदा सा हो गया क्योंकि मैं अभी नहा के आया हूँ, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है। सो ये रूम है, ये मेरे को पड़ गया अराउंड 1100 रुपये एक दिन का, तो काफ़ी अच्छा है भाई, अफोर्डेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं है और कंफर्ट है। देखो बेड अच्छा है, एसी वेसी सब है भाई। और यहाँ काफ़ी गर्मी है दिल्ली से, यहाँ भी टेम्परेचर है 18 डिग्री और दिन में था 30, तो यहाँ गर्मी लगी मेरे को भाई बहुत, दिमाग खराब होगा, ठंडे पानी से नहाया। अब चलो खाना मंगाते हैं फिर निकलते हैं। अपना पूरा होटल काफ़ी सही था, तो वही भी साल बढ़िया था ना, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। हाँ होटल काफ़ी अच्छा था, रूम भी सही था, आप स्टे कर सकते हो यहाँ पे, थोड़ी सर्विसेज थोड़ी ऊपर नहीं, सर्विसेज एक्चुअली हमें तो मिली नहीं, शायद आपको मिल जाए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि थोड़े इश्यूज चल रहे थे, बाकी होटल अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। बाहर से दिखाते हैं हमें, बाहर से जो बाहर से दिखाते हैं और तुम्हें सैंडविच दिखाते हैं। चलो अपना होटल पूरा महल जैसा है और इसकी छत तो मैंने दिखाई दी थी, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, काफ़ी बढ़िया। अब चल रहे हैं सैंड ड्यून्स, को एक व्यू दिखाता हूँ। ओहो हो, विंडमिल और रोड देखो कैसी है, मज़ेदार रोड है, बिल्कुल पहाड़ी रास्ता लग रहा है, रेगिस्तान वाला, आगे वो सारा सैंड ड्यून्स का एरिया है 20 किलोमीटर में, तो मैं बैक कैमरा से दिखा। विंडमिल मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में, 900 किलोमीटर अब लग रहा है कि सफल हो गए। और वो आगे जितना भी एरिया है वो सारा रेगिस्तानी एरिया है, सारा ए टू जेड। सब हम आ चुके हैं मतलब 20-25 किलोमीटर पास, और यहाँ एक पकवान रेस्टोरेंट, यहाँ खाएंगे। और ये मिट्टी देखो भाई, प्रॉपर रेत चालू हो चुकी है यहाँ पर, अब है भाई मोटे, प्रॉपर रेत चालू हो चुकी है यहाँ पर, मज़ा आ रहा भाई, भाई स्वाद आ रहा है जिंदगी के, रेत आ गई, मजा आ रहा भाई, भाई रेत है, गर्मी भी है लेकिन एंजॉयमेंट पूरा है, गर्मी तो बहुत है यार, 30-32 डिग्री गर्मी चल रही है भाई भाई। लेकिन एक बात की एडवाइस और देना चाहेंगे, अगर आप जैसलमेर से निकल रहे हो सुबह खाना खा के निकलो, हाँ भाई तरस गए, रेस्टोरेंट नहीं मिला रस्ते में, भूखे मर गए भाई, एक मिला है अब वहाँ पे खाना खाएंगे हम, जैसा भी अब खा लेंगे, खा लेंगे। पहुंच चुके अपने कैंप के लोकेशन पे, तो मैं एक बार अपना कैंप दिखा देता हूँ कैसा है। मजेदार, यहाँ कुएं खुदे हुए हैं गाइस, कुएं बिल्कुल, और बिल्कुल मिट्टी है ऊपर, बहुत ज़्यादा गर्मी, हालत ख़राब हो रही है। तो गाइस ये रहे अपने कैंप, और इस लोकेशन की जो भी डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये यहाँ के बेस्ट कैंप है, मैं आपको बैक कैमरा से कैंप दिखाता हूँ पूरे, यहाँ के ये बेस्ट कैंप है। और रात को जिस बंदे का ये पूरा कैंप है, जो ओनर है, ओनर से मैं मीटिंग लूँगा पूरी, वो हमें बताएगा पूरे एक एक डिटेल के बारे में। अभी हम टेंट में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर हम निकल रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए, बिल्कुल प्रॉपर थार डेजर्ट में, तो वाह बहुत मजा आने वाला है, वो शॉट मैं लूंगा गोप्रो से, बहुत मजा आने वाला है। चार लोगों का, तो गाइस टेंट दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ओहो क्या बात है, ये है लग्जरी टेंट। तो भाई कैंप, यहाँ कूलर है और ये है बेड, और एक बार कंडीशन देख लो क्या बढ़िया, बिल्कुल रिलैक्स, डस्टबिन तक है, पूरा हाइजीन का ख्याल रखा हुआ है, और भारी रेस्ट करने के लिए जगह है, यहाँ कुर्सी है, और सामने होता है शो, वो शो वाली जगह दिखाता हूँ मैं तुम्हें, और वॉशरूम दिखाता हूँ। यह वॉशरूम काफ़ी बढ़िया है गाइस, ये जिसमें इंग्लिश वॉशरूम होता है टेंट में उसे लग्जरी कैंप कहते हैं, आई होप सबको पता होगा ये बात। और यहाँ गीज़र भी मिल जाएगा क्योंकि रात को यहाँ बहुत ठंड हो जाएगी, 0 डिग्री के करीब जाएगा।
गोभी चालू हो चुकी है, देखो पूरा रेगिस्तान, पूरा डेजर्ट दिखेगा, गोभी खोद देंगे भाई। वीडियो कैसे आने वाली है? ओ भाई भाई वीडियो कैसे आने वाली है? वीडियो आने वाली है जहर। वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो देख क्या भी यहाँ भी रोड बना रखी है, देख अंदर जाने के लिए। ओ भाई देख मिट्टी देख, ओ भाई देखो देखो व्यू दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ओ रेगिस्तान के बीचों बीच यहाँ हमने करी है सफारी और थार से आए हैं यहाँ लग गया। जैसलमेर से हम आ गए टेंट में सैम ड्यून्स, वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है और वहाँ से 1 घंटे का रास्ता और है। अब तुम्हें मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरा से मजा। बैठना मत भाई, रेगिस्तान देखो गाइस, पहली बार आया, बहुत एक्साइटेड हूं मैं, बट लग रही है भाई बहुत उछल रही है गाड़ी, पूरी सस्पेंशन हिल गई है गाड़ी की। करने वाले कैमल राइड, कैमल राइड और बढ़िया, सिर्फ मिट्टी है, ओनली मिट्टी भाई, बना तो रहा हूं यार, तू ओनली मिट्टी नहीं बनेगी वीडियो भाई। ऊंट पे बैठ चुके हैं और काफी खतरनाक है भाई ऊंट, ये देखो कैसे हिला रहा पूरा। इसको भी ले लेते हैं वीडियो में, आ जा भाई मुंह दिखा, कैसा लग रहा है भाई? भाई बहुत मजा आ रहा है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, तगड़े वाला भाई, सेक्सी वाला। वो देख विंडमिल भी है भाई, देखो विंडमिल भी है, हां विंडमिल भी है बहुत सारे हमारे आगे। हम यहां सिर्फ डंडा उठा लिया, यहां 1 घंटा ही रुक पाएंगे बस, है ना, क्योंकि वो कह रहे थे जैसी रात होती है तो यहां तूफान आ जाता है और सारी मिट्टी जैसे यहां है वो खिसक के दूसरी तरफ गाइस, मतलब ज्यादा देर रुकने का मतलब भी नहीं है क्योंकि मिट्टी आती है, बाल वाल खराब होते हैं, आंखों में मिट्टी आती है। एक सजेशन दूंगा, ब्लैक मत पहन के आना, ब्लैक पहन के आओगे मिट्टी सारी गंदा हो जाएगा, ब्लैक पहन के आना, कुछ भी पहन, लाइट कलर भाई कुछ गंदा होगा भाई, दिखेगा नहीं। कपड़े पहन के आना, साफ बोलो, हाँ साफ कपड़े पहन के, जैसे मैंने साफ भाई, बाल वाल तैयार होने में पैसे टाइम वेस्ट मत करना, टोपी पहना फिर मिट्टी घुस गई, बाल नहीं बचेंगे भाई, बाल नहीं बचेंगे, टोपी पहन लेना भाई। जब हम आ चुके हैं वापिस और हमने डेजर्ट सफारी कर ली, सब कर लिया, अब आ गए हम वापिस